So this video is collaborate with Peter Jing. हेलो एवरीवन, तो सुबह का टाइम है, अभी जॉगिंग करके आया। उसके बाद मैंने जाना है बालाको, एक स्कूल है वहाँ पे, हनी पॉट स्कूल, उधर जाना है। भाई को बुलाया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है बीता चेंज, उनके साथ मैं जा रहा हूँ। तो बस अभी थोड़ी देर सोता हूँ, फिर उसके बाद उठ के तैयार होते हैं। तो भैया तैयार, आपका भाई हो चुका, बस क्रीम आ रही है, उसके बाद निकलेंगे जाने के लिए। 5 मिनट वेट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि करीब वाला रास्ते में, तो 5 मिनट इंतज़ार तो करना बनता है। 12 को जा रहे हैं, वहाँ पे स्कूल है, उसकी शूटिंग करनी है, तो डायरेक्टर साहब। चुके हैं यहाँ पे, लेकिन अभी जिन्होंने बुलाया उनका वेट कर रहे हैं, तो वेट कर लेते हैं। प्रेजेंट सीन्स को जैसे हैं कि हम लोग मौजूद हैं हनी पॉट स्कूल के आगे, तो बस अभी इनका वेट है, इनका तैयार कर जिस ऑर्गेनाइजेशन का, वो अभी आ रही है रास्ते में, तो तब तक हम थोड़े से आपको शॉर्ट्स दिखा देते हैं, तो मुलाजा फरमाइए। पाकिस्तान मोटरवे पुलिस भी कहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, इंस्पेक्टर हूँ नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में, और मेरे साथ मेरी साथी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर श्री वाहिद हैं। हम दोनों टीचर्स हैं, ठीक है ना। जैसे इस स्कूल में आपको आपके डिफरेंट टीचर्स मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, इसी तरीके से हम भी कुछ पढ़ाते हैं, हमारा भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है या जो हम जो कुछ पढ़ाते हैं वो थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म की चीज है। जो कुछ यहाँ पे पढ़ते हैं टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आपको नई नई चीजें पता चलती हैं, उसका ताल्लुक आपकी कहाँ से है, ज़हन से है। लेकिन आपको सेफ्टी देता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और वो आपका फ्रेंड होता है।
तो ये मोटरवे का पैगाम था भाई आप सबके लिए जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके लिए पैगाम है। और से सुनो, अस्सलाम वालेकुम, नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पुलिस की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप कानून की पासदारी करें, लॉ को फॉलो करें, इसी में आपकी भी सेफ्टी है, शहरियों की भी इसी में सेफ्टी होती है, और इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता आपको जुर्माना करना। इसमें हमें भी अफसोस होता है कि हम आपको जुर्माना करें, लेकिन जब आप एक्सीड कर जाते हैं लिमिट को, किसी स्पीड लिमिट को, या गलत कोई काम होता है, कोई कानून की पासदारी नहीं होती, तो हमें मजबूरन आपको जुर्माना करना पड़ता है। बेहतर ही होगा कि आप भी अपने आप को सेफ रखें और बाकियों को भी सेफ रहने दें। थैंक यू वेरी मच। Abdullah and I am director of marketing administration at Haniport School. Haniport School basically मैं एक अदारा बनाया जो कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं और जो लोग क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये हमने ऐसा एक सेटअप बनाया ताकि वो आए और अपना जो एजुकेशन हासिल कर सके, जो कि जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट मकसद है। हमारे स्कूल को अराउंड 3 years हो चुके हैं और इसमें अच्छा टाइम्स भी आए हैं, बुरे टाइम्स भी हमारे पास आए हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज जो है जो सोसाइटी है इसको एक्सेप्ट करती है, लोग हमें बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रिसिएशन जो है बहुत ज़्यादा मिल रही है। जो पाकिस्तान में जो बेसिक इशू है इस वक्त, जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो इग्नोरेंस का है, जो लिटरेसी रेट है वो बहुत हाई है और अराउंड 220 million स्टूडेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल है, तो इसकी वजह से हमारा टोटल जो सोशल इकोनॉमिक फैब्रिक है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमारी यही एफर्ट है कि जो बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज उनको एजुकेशन दी जाए और इलम को आम करें और फैलाएं, ताकि ये बच्चे जो हैं कल को पाकिस्तान का इमोशनल रोशन मुस्तकबिल बन सकें। अगर ये गलियों में रहेंगे और स्ट्रीट चाइल्ड रहेंगे तो वो कल को क्रिमिनल बन सकते हैं, अगर वो लेबर बनते हैं अपना मुस्तकबिल नहीं संवार सकते। तो हम उनको इलम रोशनी दे रहे हैं। सेकेंडली हमारा स्कूल थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि हम न्यू टीचिंग टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे हमारा फोकस मेनली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। मोस्ट स्कूल जो है वो एक रट्टा सिस्टम पाकिस्तान में चला आ रहा है, जो कि हमारे मेयार तलीम को बहुत मनफी असर डालता है। तो हम बच्चों को थ्रू एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है उसको बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, को आम करना चाहिए और जितना हो सके उतना करें, ताकि ये हमें इसका एक फीसद का जारी है और इसका ओवरऑल हमारी सोसाइटी पर, हमारे मुल्क पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह। हवाओं से आगे जाना है, अब कुछ करके दिखाना है, हवाओं से आगे जाना है, अब कुछ करके दिखाना है। आंधी हो या कोई तूफान हो, सबसे ही लड़ते जाना है। जोश जनु चुप बैठा है क्यों, कुछ करके दिखाने का वक्त यही। जोश जनु कोई भी तूफान हो, सबसे ही लड़ते जाना है। जोश जनु चुप बैठा है क्यों, कुछ करके दिखाने का वक्त यही। जोश जनु कोई भी तूफान हो, सबसे ही लड़ते जाना है। आप बड़ा के क्या बनोगे? बिस्किट। इंशाल्लाह बड़ा के बिस्किट बनोगे। आप चाहिए हैंड राइटिंग बहुत
कैरी है, आप बड़े होकर क्या बनोगे? आर्मी ऑफिसर। इंशाल्लाह आप बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनोगे। संदीप, आपकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, इस तरह की लगती है कि किसी डॉक्टर ने लिखा है। मुझे जाके मेडिकल स्टोर पर चेक करवाओ। मैंने नहीं लिखा सर। क्यों नहीं लिखा है? दिन नहीं कर रहा था। आपने कल भी नहीं किया था? कल भी दिन नहीं कर रहा था। अब कितने दिनों में पढ़ा? दो चार दिनों में। अगर दो चार दिनों में नहीं किया, अगर था क्या मेरा नाम बदला? ये मेरा बेटा, ये बड़ा कैसे सदा।